फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय व्लॉगिंग चैनल मेहा व्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज फाइनली मेरा जिमी पॉटी ट्रेंड हो गया है। आज फर्स्ट टाइम जिमी ने खुद से जाके बालकनी में जहाँ पे मैंने जगह बनाई हुई है वहाँ पे जाके पॉटी की, एंड खुद से गया, खुद से पॉटी की, फिर दोबारा गया, शूशू करके आया। सो वो समझ रहा है कि ये स्पेस मेरी पॉटी शूशू के लिए है। सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही छोटा सा पपी और हमारे घर में आए उसको 10 डेज हुए हैं, एंड फाइनली नाउ वो समझ चुका है कि उसको कहाँ पे पॉटी एंड शूशू करना है। सो मैंने सोचा है मुझे भी आपके साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, बिकॉज आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो एक छोटा सा पपी अपने घर में लेके आए होंगे, एंड पॉटी शूशू एक बहुत ही मेन कंसर्न होती है जब हम एक छोटा सा पपी अपने घर में लाते हैं। सो जिमी के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज जब मैं इसे लेके आया, बिकॉज ये अभी 2 मंथ्स ओल्ड है, बहुत छोटा सा है। फर्स्ट डे तो मैं रात में बार बार उठती रही बिकॉज ये ज़्यादा शूशू कर रहा था। सो मैंने क्या किया, फर्स्ट डे से ही मेरी बालकनी, बिकॉज आई स्टे इन ए फ्लैट एंड मैं इसको नीचे नहीं लेके जाती हूँ, बहुत छोटा है, इसको इन्फेक्शन लग जाए। सो मैंने अपनी बालकनी में ही एक स्पेस बनाया जहाँ पे मुझे इसको पॉटी शूशू कराना था, एंड मैं इसको हर 1-1.5 घंटे में वहाँ पे ले जाती थी, लाइक मॉर्निंग में उठते के साथ ही। एंड उसका जब भी खेलता था बहुत, बिकॉज पपीज जब बहुत खेलते हैं तो उनको शूशू जल्दी आता है। सो 1 घंटे में जब मुझे लगता था कि बहुत देर से खेल रहा है, नाउ इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर, तो मैं इसको वापस बालकनी में लेके जाती थी, देन खाना खाने के बाद लेके जाती थी, रात को सोने से पहले लेके जाती थी, प्लस मैं रात को अलार्म लगाती थी। पपीज रात में भी बहुत शूशू करते हैं, एंड अगर आप शुरू से ही अपने पपी को ट्रेन करेंगे तो पपीज को आपको अगर शुरू से उन्हें हैबिट डाल देते हैं एंड उन्हें आप ट्रेन कर देते हैं तो वो धीरे धीरे खुद समझ जाते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा नीचे छोड़ देती हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा शैतानी के मूड में है। अभी मैं जिमी को अंदर छोड़ के आई हूँ बिकॉज अभी उसने खाना खाया एंड फ्रेश हो चुका है, तो ये टाइम उसको सोने का है एंड इस टाइम पर वो सोता है। सिंपल टिप्स मैं अगर शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अपने जिमी को पॉटी ट्रेन कैसे किया। जिमी जब मेरे पास आया था तो बहुत छोटा सा था, सो मैंने क्या किया, फर्स्ट डे से ही उसको बालकनी में जहाँ पे भी मुझको उसको शूशू पॉटी कराना था मैं उसको बार बार लेके जाती थी। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे फोर्स करती थी। आज जब आप छोटे से पपी लाते हैं तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ते हैं, वो एक बेबी होता है, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। तो फर्स्ट थिंग हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने पपी को फोर्स मत कीजिए, उस पर चिल्लाइए मत, उसको बार बार लेके जाइए। सो जिमी को मैं फर्स्ट डे से मैंने रूटीन सेट किया हुआ था, इनफैक्ट रात में भी मैं अलार्म सेट करती थी बिकॉज पपीज के शूशू का रेशियो क्या होता है, रात में थोड़ा गैप में करते हैं। बट अगर आपका पपी, सपोज मेरा जिमी अभी 2 मंथ्स का है, सो 2 मंथ्स + 1 आवर एक्स्ट्रा मीन्स ये 3 आवर्स तक अपना शूशू कंट्रोल कर सकता है, बट उसको अभी शूशू कर देगा। तो मैंने अपना जो रूटीन बनाया था, मैं इसको रात को 12 बजे एक बार शूशू कराती थी, एंड उसके बाद मैं ऑलमोस्ट 3-3:30 बजे एक अलार्म लगा के सोती थी, और उस टाइम उठ के मैं इसको ले जाती थी तो ये बाहर बालकनी में शूशू करता था, एंड देन मॉर्निंग में 6 o'clock के करीब। तो इस तरीके से मैंने इसका रूटीन सेट किया था, एंड आज फाइनली फर्स्ट टाइम, बिकॉज एक दो बार ऐसा हुआ है, पॉटी तो जिमी ने मोस्टली बस फर्स्ट डे ही, इसने फर्स्ट डे और आई थिंक सेकंड डे 2 दिन इसने घर के अंदर कर दी थी, बट उसके बाद कॉन्टिन्यूसली ये बालकनी में ही कर रहा था, मैं इसको ले जाती थी वहीं पे करता था। बट हाँ, शूशू इसने घर के अंदर किया है कई बार, इवन मैट्स पे गया तो मैंने सारी मैट्स हटा दी बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि इसको मैट्स पे शूशू करने की हैबिट पड़ जाए, तो मैंने थोड़े टाइम के लिए सारी मैट्स हटा दी क्योंकि पपीज जब भी कोई सॉफ्ट चीज़ देखते हैं, घास मिलेगी या मैट मिलेगी, उस पर शूशू कर देते हैं, उनको लगता है ये हमारी शूशू करने की जगह है। सो आप उन चीज़ों को थोड़े टाइम के लिए रिमूव कर सकते हैं अपने जहाँ पे आपने पपी को रखते हैं, एंड बार बार उसको अपनी बालकनी में, जो भी आपने घर में कॉर्नर बनाया हुआ या आप घर के बाहर ले जाते हो उसको लेके जाइए। छोटा पपी है तो आप घर के अंदर कर सकते हैं बिकॉज बाहर बार बार यहाँ से इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। सो आज फर्स्ट टाइम इट्स आज जिमी का 10th डे है, जिमी खुद से बालकनी में गया एंड वो शूशू करके आया, एंड देन थोड़ी देर बाद वापस भाग के गया, एंड वहाँ जाकर वो कोई कोई वो आवाज़ें निकाला, मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ, जाके देखा तो मुझे बुला रहा था, एंड फिर उसने पॉटी की, एंड आई एम सो हैप्पी, मुझे लगा कि वाह यार कुछ अचीव कर लिया, मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, समझदार हो रहा है। सो फाइनली जिमी को समझ में आ चुका है कि हमें, मुझे बालकनी में इस जगह पे ही पॉटी एंड शूशू करना है। सो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, बार बार लेके जाइए, प्लस उस पर शाउट मत कीजिए अगर आपका पपी घर के अंदर कहीं कर भी देता है शूशू, तो आपको क्या करना है, उसको कुछ शाउट मत कीजिए, उसको सिंपल जिमी नो, लाइक मैं अपने जिमी से बोलती थी उसको शूशू दिखा के, जिमी नो नो दैट्स इट, मैं उसे कभी ज़्यादा नहीं चिल्लाती थी। आप हमेशा ध्यान रखें कि पपी पे चिल्लाना नहीं है, सिंपली उसको वो दिखाइए, बोले नो,
एंड जब भी मेरा जिमी बालकनी शू शू करता था उसको बहुत प्यार करती थी, गुड बॉय वेरी गुड किसी करती थी तो बहुत खुश हो जाता, उसको समझ में आता था कि कुछ अच्छी चीज़ हुई है। बिकॉज पपीज बहुत समझदार होते हैं, यू नो डॉग्स को तो वैसे भी ह्यूमंस का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है, उन्हें बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है, सो बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस को समझते हैं, तो आपको उन्हें चिल्लाने की या मारने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके इमोशंस को कैच करते हैं। तो आप भी इस तरीके से अच्छे अच्छे टिप्स फॉलो करके अपने पपीज़ को ट्रेन कर सकते हैं। बिकॉज मेरा जिमी तो फाइनली ट्रेन हो गया एंड आई एम सो हैप्पी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वाओ मेरा बच्चा फाइनली बड़ा हो रहा है। एंड मैं छोटी छोटी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट जिमी की वीडियोज़ डालती रहती हूँ जिसमें बहुत सारी शैतानी करता रहता है। अभी तो वो अंदर जाके सो गया बिकॉज वो बहुत मोटी है, वो बेडरूम में ही सोता है, लॉबी में कहीं भी नहीं सोता, उसको लगता है यही मेरा रूम है बिकॉज फर्स्ट डे से वो बेडरूम में सो रहा है। तो जब भी उसको सोना होता है वो बेडरूम में ही जाके सोता है, घर के किसी और कॉर्नर में नहीं सोते। इवन हम बालकनी में बैठे रहेंगे, लॉबी में बैठे, तब भी वो नहीं है, अगर उसको सोना है वो बेडरूम में ही सोता है। तो इवन मैं वीडियो बना रही तो उसको कहता नहीं मुझे जाने दो, मुझे तो सोना है, आप करो जो करना है। सो मैंने उसको जाने दिया एंड अभी वो अपने बेडरूम में जाके सो रहा है एंड अब वो सोएगा 2-3 घंटे आराम से सोएगा। सो दिस इज द शेड्यूल जो जिमी का है। मैंने स्प्रे के बारे में भी काफ़ी सुना था कि पपीज़ के लिए स्प्रे आता है, बट मैं यूज़ नहीं करना चाहती थी, मैं चाहती थी कोई नेचुरल प्रोसेस में आप जाने दो। तो अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा जल्दी ट्रेन करना चाहते हैं या आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस कम है तो आप स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। डॉगिस की पॉटी ट्रेनिंग के लिए स्प्रे आता है जिसको आप जहाँ पे भी आप पॉटी कराना चाहते हैं, शिशु कराना चाहते हैं, उस जगह पर आप स्प्रे करते हैं किसी कपड़े पे या किसी मैट पे जहाँ पे भी, तो पप्पी बार बार भाग भाग के वहीं जाते हैं पॉटी करने के लिए। तो ये थोड़ा इजी वे है बट मैंने वो नहीं अडॉप्ट किया, मैं चाहती थी कि ये अपना नॉर्मल तरीके से करे। प्लस क्लीनिंग, हाँ थोड़ा सा जब पप्पी घर के अंदर शूशू करते हैं तो हमें थोड़ा क्लीन ज़्यादा रखना पड़ता है, तो मैंने प्रॉपर एक क्लोथ बनाया था, मैं क्लीन करती थी, देन अगेन मैं उस पर वहाँ पर फिर फिनाइल से क्लीन करती थी ताकि वो थोड़ा सा यू नो हाइजीन इश्यूज़ होते हैं वो पपीज़ के लिए भी होते हैं हमारे लिए भी, कोई शूशू चाहे इंसान का हो या पपी का, जम्स उसमें होते हैं, तो वो आप ध्यान रखिए कि थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखेंगे। सो बस यही छोटी सी वीडियो थी जो मैं शेयर करना चाहती थी कि मेरा जिमी पॉटी ट्रेन हो गया है, एंड आई होप मेरी वीडियो आपको हेल्प करेगी। आप भी अपने पपी को पॉटी ट्रेन कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ प्यार से करेंगे तो बहुत जल्दी ट्रेन हो जाएगा। सो अगर आपको मेरे प्यारे से जिमी की वीडियोज़ अच्छी लगती है और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माई चैनल एंड मैं फिर आपसे किसी न्यू ब्लॉग में मिलूंगी। तब तक ले थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय, टेक केयर।